बनासकांठा जिला तालुकाना बेरोजगार युवाओं ने नौकरी मिली रहे ते माटे थरात धारासभ्य गुलाबसिंह राजपूते गुजरात विधानसभा में धारदार रजूआत करी हती। थरात सहित जिला तालुका विस्तारों में नौकरी न होवाना कारणे केटला युवाओं बेरोजगार फरी रहा है। क्यांय नौकरी धंधो न होवाथी आवा युवाओं परिवारजनों ने गुजरान चलावो खूब ज मुश्किल बनी गयु। आजे पण हळहळता टेक्नोलॉजी युग में अनेक युवाने उच्च कक्षा सुधी अभ्यास कर्यो होवा छतां घरे बैठा छे। देश में विकासना नामे मोटी मोटी बातों थई रही छे त्यारे बनासकांठाना सरहदी विस्तारों में युवाओं माटे रोजगारनी कोई सवलतो उपलब्ध नथी। आवा बेरोजगार युवाओं कमावा जाए तो क्या जाए? तो आ तरफ युवाओं ने सारी नौकरीनी तक मळे ते माटे अनेक भर्तीओ बहार पाडवामां आवती होय छे, परंतु आ भर्तीओ में पण अंदर अंदर अनेक कौभांडो थता होय छे जेने कारणे अनेक युवाओंनुं भविष्य अंधकारमय बनी जाए छे। नौकरीनी भर्तीओ में थता अनेक आवा कौभांडोने ध्याने लीधा हता तेमज थरादनी सरकारी हॉस्पिटलने सिविलनो दरज्जो आपवामां आवेलो छे, पण सिविलमां दरज्जा प्रमाणे कोई जरूरी सुविधाओ उपलब्ध नथी। थरात वाव सुई गामना दर्दीओ थरादनी सरकारी हॉस्पिटलमां सारवार माटे आवता होय छे। थरादनी सरकारी हॉस्पिटलमां अमुक अगवडोने ध्यानमां लई हॉस्पिटलनो स्टाफ अने तमाम प्रकारनी सुविधाओ पूरी करवा माटे पण जणाव्युं हतुं। उपरांत थरात वाव सुईगाम सहितना ग्राम्य विस्तारमां नाना मोटा रोड पाका न होवाना कारणे खेडूतो अने विद्यार्थीओने अवरजवर करवामां भारे मुश्किलीઓ पड़ती होय छे। तो छाछवरे आवी मुश्किलोनुं निराकरण आवे ते माटे नितिनભાઈ પટેલ દ્વારા આવા રસ્તાઓને ધ્યાનમાં લઈ અને મંજૂરી આપે તેવી પણ રજૂઆત કરી હતી। તેમજ થરાદના 97 ગામડાઓને સુજલામ સુફલામનો લાભ મળે તે માટે સરહદી વિસ્તારના ગામડાઓમાં આ અગાઉએ જે સુજલામ સુફલામ કેનાલ બનાવી હતી તે કેનાલોમાં પાણી ન છોડવામાં તળ ઊંડા જતા રહ્યા હતા, જેને કારણે ખેડૂતોને પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે, જેને ધ્યાનમાં લઈ તમામ બાબતો વિશે ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી।